वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो आई एम सॉरी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है मुझे थोड़ा सा हल्का सा फीवर है जिस वजह से आई थिंक आज मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन आ रही होगी थोड़ी भारी भारी आ रही होगी सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करती तो मेरे लिए आगे वाले सब्जेक्ट्स कराने के लिए टाइम नहीं बचेगा तो मुझे हर एक सब्जेक्ट को मैनेजमेंट के लिए लेके चलना है दैट्स वाई मैं आज Uh, अपनी वॉइस का थोड़ा सा मतलब मुझे कराना पड़ेगा तो आई कैन आई थिंक आप यू ऑल आर अंडरस्टैंड सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स डेट इज़ सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको बहुत पता होगा सेबी के बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी आपको जो हमारी कैपिटल इशू होता है या कंट्रोल एक्ट होता है वो 1947 में हुआ था एप्लीकेबल हमारी कंपनीज में ताकि जो प्राइमरी मार्केट है वो रेस फंड कर चुके और जो भी प्रोसीजर था इसके अप्रूवल का बहुत ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड था जिस वजह से जो हमारी न्यू कंपनीज थी वो अलाउड नहीं करती थी कि शेयर्स को हम प्रीमियम पे दें सो so, उसके बाद जो हमारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी हमें शेयर या राइट right सी को शेयर करने के वजह से स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा कॉमन था इन्वेस्टर्स अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्टेड नहीं थे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती थी हमारी कंपनीज को डेवलप करने में या फिर उनके इंटर प्रमोटर्स के या फिर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रो, आ, आ, प्रोटेक्ट करने के लिए सो so, हमने इन सब इन चीज़ों को मध्य रखते हुए क्या किया गवर्नमेंट कि ने स्टॉक सेबी को इस्टबलिश uh, किया जो कि 1992 में पास हुई थी इस एक्ट के द्वारा और ये एक्ट uh, इन्वेस्टर्स और प्रमोटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया था ताकि ये सारी सिक्योरिटीज़ रेगुलेट कर सकें हम अपनी मार्केट में और इसका जो पास एक्ट हुआ था अबोल्यूशन हुआ था गवर्नमेंट कंपनी uh, कैपिटल इशू कंपनी वो नाइन्टीन में हुआ था जो भी गाइडलाइंस थी इसके अंडर ही आती थी और ये सारा इंडिया जो भी है हमारा सेबी आया तो वो हमारा थर्टी एथ जन नाइनटीन में फोर्स हो गया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो हमारा मुंबई में तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेबी का मैनेजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सेबी क्या है चेयरमैन है जो अपॉइंटेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं टू मेंबर ऑफिशियल होते हैं फॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वन मेंबर होता है फ्रॉम आरबीआई फाइव अदर मेंबर होते हैं जो एटलीस्ट थ्री जो होल टाइम होल टाइम मेंबर्स होते हैं ठीक है और जो हमारे चेयरमैन और मेंबर्स हैं सारे वो एबिलिटी इंटीग्रिटी स्टैंडिंग और सारी सिक्योरिटीज़ के एक्सपीरियंस के अंदर मतलब फाइनेंस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सभी के सेम जब कोई पर्सन अजिस मतलब एस इंसॉलमेंट हो जाए अनसाउंड माइंड हो या फिर कोई कन्विक्टेड ऑफेंस इन्वाल्विंग मॉरल ड हो या कोई अब्यूज पोजिशन का यूज़ कर रहा हो और अभी पब्लिक के इंटरेस्ट के अंगेज नहीं मतलब एंगेज हो तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कराते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट कर सके और जो हमारी जो मार्केट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको ऑर्डरली प्रमोट कर सके और साथ ही साथ रेगुलेट करके उनकी सर्विसेज को करप्शन फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को होने से बचा सके जो भी फेयर प्रैक्टिसेस हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी uh, है हमारी कंपनी की लाइक शेयर डिबेंचर उन कंपनी को इशू इशू uh, करने में हेल्प करे साथ ही साथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और रिस्पेक्टर से डिस्क्लोज करता रहे जो भी हमारी सर्विसेज हैं इंटरमीडिएट्स हैं कंपनी मार्केट के उन्हें एफिशिएंटली प्रमोट करें और साथ ही साथ हमारे इंटर इंडियन कैपिटल मार्केट को और हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी अपलिफ्टेड करता रहे फंक्शंस क्या हैं देखिए देखिए फंक्शन जो भी हमारे बिजनेस में रेगुलेशन होती है स्टॉक मार्केट या अदर्स रे, उनको रेगुलेट करना रजिस्ट्री करना रेगुलेट करना स्टॉक ब्रोकर्स की सब ब्रोकर्स की इन इन सब की करना जो भी इन्होंने वर्ड दिया जो भी एसोसिएटेड होते हैं इस मार्केट के अंडर बहुत बेसिक चैप्टर आप एक रीडिंग में से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट मैं फिर भी एक थोरोली रीडिंग ले रही हूँ ठीक है रजिस्ट्रिंग एंड रेगुलेट करना जो भी डिपोजिटरीज हैं हमारी सिक्योरिटीज़ हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं क्रेडिटर हैं उन सबका जो डिपोजिटरी क्या होता है कि जो एंटिटी है विच कीप सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है डीमेंट अकाउंट बना देती है सारी रिक्वेस्ट ओनर्स और सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करी जाती है जो हमारी वर्किंग फंडस होती हैं जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी कलेक्ट करते हैं उन स्कीम को मेचुअली फंड रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना रेगुलेट करना जो भी हमारे प्रोहिबिटेड या फिर प्रोहिबेट करनाट एक्ट और अनफेयर ट्रेड को इन्वेस्टर्स को एजुकेशन और ट्रेडिंग देना इंटरमीडिएट सिक्योरिटीज़ के बारे में प्रोहिबिटेड करना ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ जो इलीगल प्रैक्टिसज है या फिर स्टॉक एक्सचेंज में वन एक एडवांटेज उठा रहा है फ्रॉम इंटरनल यूज़ इंटरनल कॉन्फिडेंस के लिए और जो जनरल पब्लिक को जानता ही नहीं वो अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है रेगुलेट करना शेयर्स का और अपनी कंपनी का टेक ओवर करना सारी इंफॉर्मेशन को कॉल अप करना इंस्पेक्शन करना कंडक्ट करना ऑडिटिंग करना म्यूचुअल फंड्स को बताना एसोसिएट करना सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड बैंक में रिकॉर्ड रखना अदर अथॉरिटीज़ बोर्ड कॉरपोरेशन को का कोई भी ट्रांजेक्शन रिस्पेक्ट में करनी इन्वेस्टिगेट करनी सारे फंक्शन और एक्सरसाइज सच इन परफॉर्मेंस को प्रोविजन के अंडर जो भी एक्ट के अंदर आती है उनको परफॉर्म करना रिसर्च फ्रॉम दी अबव पर्पसेस एंड फंक्शन उन बारे में कंडक्ट करना उनका के लिए रिसर्च करना जो भी इंफॉर्मेशन हम कॉल करते हैं कंपनी लिस्टेड से क्वार्टरली या ईयरली उन सबका रिजल्ट एक दिन में या फिर एंड टू ईयर क्वार्टरली देना सारी फंक्शंस के जो भी प्रेस्क्राइब है उनको परफॉर्म करना पावर्स क्या है सैबी की पावर टू इंस्पेक्ट अकाउंटिंग बुक्स रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी आप मेंटेन करते हो कंपनी के अकॉर्डिंग उनको इंस्पेक्ट करना उन आप चेक कर सकते हो कि कोई भी फ्रेडुलेंट वर्क या अनफेटेड प्रैक्टिटीज तो नहीं हो रही पावर टू कोर्ट जो भी सैबिक की पावर वो कोर्ट तक जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन 1908 हंड्रेड एट जो भी डिस्कवरी होगी प्रोडक्शन होगी बुक्स प्रोडक्शन होगी बुक्स की वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होगी बाय द बोर्ड मतलब सेबी के उससे जो भी एनफोर्सिंग अटेंडेंस लग रही एग्जामिनेशन हो रही है एग्जामिने वो भी उस पाथ पे जाएगी इंस्पेक्शन कर सकते हो आप बुक की रजिस्टर की डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्ड की और उनके विटनेस विक्त, को एग्जामिन भी कर सकते हो अदर पावर्स क्या है पावर टू सस्पेंड ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन अ रिकोनाइज स्टॉक एक्सचेंज रिस्ट्रेन करना पर्सन की बाइंग सेलिंग डीलिंग सिक्योरिटीज़ को सस्पेंड करना ऑफिसर बियर करना <coughs> जो भी कंपनी प्रोहिबिटेड करी है प्रोस्पेक्टर्स में एडवर्टीजमेंट में उन पावर को मध्य रफ्त उन सिक्योरिटीज़ को इशू करना स्पेसिफिक पावर क्या है जो लिस्टिंग है ट्रांसफर है सिक्योरिटी की उनको रिक्वायरमेंट पूरी करना पावर आप है क्या आप डायरेक्ट कर सकते हो इन मटेरियल इन्फॉर्मेशन को लिस्टेड कंपनी को और आप रिपोर्टर से पूछ भी सकते हो कब इन डिटेल को डिस्क्लोज करना है सैबी गाइडलाइंस फॉर ईशोर शेयर शे, जब आप शेयर्स इशू करते हो उसकी गाइडलाइंस क्या है आपके पास एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होना चाहिए से कंपनी के पास ताकि जो भी आप इशू शेयर कर रहे हो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर अच्छे से अवेलेबल हो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करते वक्त ये कोई भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेगी ताकि एटलीस्ट एक सॉक एक्सचेंज पे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल होता रहे जब भी आप पब्लिक शेयर इशू कर रहे हो प्रमोटर का एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पोस्ट इशू शेयर में जो भी आपके मिनिमम एप्लीकेशन पेड अप होगी या फिर शेल नॉट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इशू प्राइस मतलब जब भी आप इशू शेयर कर रहे हो तो आपकी वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए कंपनी कभी भी अलाउ नहीं करेगी ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जब भी आपकी एक्सेस सब्सक्रिप्शन होगी मनी की वो रिफंड हो जाएगी पंद्रह दिन के अंदर और पब्लिक इशू का क्लोजर डे होगा और कोई भी फे अगर पैनल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो एक्सपायरी डेट से पहले हो जाएगा जो भी अनलिस्टेड कंपनी है वो कॉन्टीन्यूसली अर्निंग प्रॉफिट कर रही है लास्ट ईयर से वो फ्री है कि अपने डेट ऑफर प्राइस में करने के लिए जो भी आपके एप्लीकेशन है न्यू इशू शेयर है वो अवेलेबल हो जाएंगे इंटरनेट पे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए और आई तो है जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है वन करोड़ तक का जो आपकी सब्सक्रिप्शन है पब्लिक इशू की सब्सक्रिप्शन है जो पब्लिक इशू की वो एटलीस्ट थ्री वर्किंग डेज के अंदर मैक्सिमम टेन डेज के अंदर हो जानी चाहिए जो भी आपकी इक्विटी लिंक स्कीम्स हैं वो भी फोर्टी फाइव डेज के अंदर ब्रॉटअप हो जानी चाहिए एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हो पब्लिक इशू को तो वो थैंकफुल है और कोई मेजर रिस्कफैक्टर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए टेक्निकली और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज शुड भी यूज़ नहीं कर सकते आप उस अपनी एडवर्टीजमेंट में जो शेयर्स हैं वो कांट बी इशूड ऑन फॉर अ डी नोमिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रुपीज़ जो लीड मैनेजर है वो फाइल करेगा रिपोर्ट देगा सेबी को फोर्ट फाइव डेज के अंदर ताकि जो भी गाइडलाइंस है इशू ने जो सेबी ने रेगुलेट करी है वही फॉलोड हो रही है या नहीं जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अलाउ करेगी फ्रेश कैपिटल के लिए ताकि आप उसको इशू करो और कंपनी फ्री है कि कितना ही प्राइस फिक्स कर सकती है नेट नेट टेंटर्स आपकी तीन करोड़ की होनी चाहिए जो सीधा आपके पब्लिक ऑफर को ही जाएंगी मिनिमम थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द नेट ऑफ़र टू द पब्लिक जो अवेलेबल है और जो मैक्सिमम लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो वन करोड़ टू करोड़ है और सेबी ने सिर्फ इतना ही अलाउ किया हुआ है कंपनी को एट द नॉर्मल इशू प्राइस जो सेबी है वो सारी कंपनी को डायरेक्ट करती कि कैसे इशू ऑफ शेयर को डायरेक्ट करना है स्पेसिफिक एलोकेशन पर पाँच के म्यूचुअल फंड पर और साथ ही साथ इनिशियल पब्लिक ऑफर को भी एक ग्रेट फॉर्म दी हुई है क्योंकि वो और ऑथोराइज रेटिंग एजेंसी से बात कर सकें जो भी सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन सपोर्ट ऑफ ब्लॉक है वो स्टार्टेड हो चुकी है ब्लॉक करी जा सकती है और जो भी पब्लिक सिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो फंड्स हैं वो डे मतलब विड्रॉ करवा सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा अपने कंपनी के अकाउंट या रिफंड एक्सेस अलाउ से वहाँ बात से कर सकते हैं और सैबी ने एस को मेडिटरी कहा गया है ऑल द क्रेडिटर ऑफ द इन्वेस्टर्स सेबी आपको डायरेक्ट करती है कि एटलीस्ट ट्वेंटी ही शेयर होल्डर को मिले जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो डिस्क्लोजर टाइम और लिस्टेड टाइम के अंडर होना चाहिए और छः डेज के अंदर आपका लास्ट अप्लाइंग फॉर्म हो जाना चाहिए और जो अक्टूबर टू थाउजेंड ने स्टार्ट किया था एक जो सबमिट होती है आपके वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी और जो इन्वेस्टर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से साथ ही साथ सोच ब्रोकर भी अपनी एप्लीकेशन करा सकते तो जो भी जो भी जितना भी है जितना ज़्यादा पब्लिक ईशोर तक पहुँचेगा वो अच्छा रहेगा जो भी हमारी बुक बिल्डिंग है इशू सिक्योरिटी की या फिर फॉल ऑन पब्लिक ऑफ़र हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है हमारी रेस कैपिटल की उसको ध्यान रखें डिफरेंट है ट्वेंटी परसेंट बैंड के ऑफ़र पे आप इशू कर सकते हो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवड नहीं होगी और जो भी रिफंड है स्पेसिफिक टाइम पर हो जाना चाहिए तो कंपनी कभी भी डिले नहीं होनी चाहिए लाइबल टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टी परसेंट ठीक है कभी भी डिले नहीं होनी चाहिए कुछ गाइडलाइंस है जब आप आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो और ऐसे ही बोनस शेयर कर रहे हो तो डिबेंचर के टाइम पर क्या आएगा जो कन्वर्जन है फुल्ली डिबेंचर शेयर का वो थर्टी मंथ से थर्टी सिक्स मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए थ्री सिक्स मतलब थ्री हंडर के अंदर इशू कर सकते हो क्रेडिंग रेटिंग एजेंसी रिक्वायर्ड है ईशो के डिजाइन और डिस्क्लोज होना चाहिए उस टाइम पे जब प्रोस्पेक्टिस हो आप उस अमाउंट की प्रीडियम रिडम्पशन कन्वर्जन जो भी है वो आप प्री डिसाइड करोगे और डिस्क्लोज के टाइम पे आप प्रोस्पेक्ट में डाल दोगे जब आप नॉन कंटेबल आपके डिवेंचर हैं तो वो मेचोरिटी मतलब 18 मंथ से पहले ही क्रेडिट क्रिएटेड हो जाने चाहिए मेचोरिटी पीरियड मोर देन 18 मंथ्स नहीं होगा जो भी ट्रस्टीज़ हैं या फिर जो भी है वो ट्रस्ट के रजिस्टर के अंदर होने चाहिए और सेफ होना चाहिए जब आप डिबेंचर होल्डर आपके कौन कौन है जो भी है वो 18 मंथ से 18 मंथ और मोर देन नहीं हो सकता और जो भी है वो ऑप्शनल है डिबेंचर होल्डर्स के हाथ बोनस शेयर्स की क्या क्या गाइडलाइंस है जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो फ्री बिल्ट जेनविन प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी कैश इनकोल कर रहे हो जो भी रिजर्व क्रिएटेड हो रहे हैं वो रिवेल्यूशन फिक्स्ड एसेट कांट भी यूज़ फॉर वो यूज़ नहीं हो सकती एटलीस्ट फोर्टी परसेंट तक इंक्रीज पेडअप है हमारे कैप बोनस शेयर्स की और जो बोनस और शेयर है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट प्रोविडेड है अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है तो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते जो टोटल कैपिटल है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए हमारी ऑथोराइज कैपिटल से अगर हो जाती है तो मेमर एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा जो बोनस शेयर है वो सिक्स मंथ्स के अंदर और डेट ऑफ अप्रूवल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्टर के अंदर इशूड हो जाने चाहिए जो बोनस शेयर है हमारे है वो एग्जिस्टिंग फुली पेड अप है और पार्टली पेड अप भी हैं जब हमें फर्स्ट उसको फुल्ली अप करेंगे कोई भी डिविडेंट अलाउड नहीं है हमारे इशू शेयर बोनस पर जो भी हमारे कंपनीज इशू नहीं कर रही बोनस शेयर तो वो डिफ़ॉल्ट है पेमेंट के टाइम पे जब फिक्स प्राइस सेटरी प्राइस हमारे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कोई भी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है हमारे क्योंकि जो भी अगर हम टाइम कम्प्लीट लिमिटेड के अंदर हो जाता है रिड्यूस पंद्रह दिन के अंदर तो शेयर अप्रूव्ड करा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो वो साठ दिन फिक्सड है जब हम अपने डिक्लेयर करते हैं बोनस शेयर तो मेडिट्री होते हैं कंपनी के लिए कि वो अनाउंस करें फिक्स डेट फॉर क्रेडिट टू ऑफ बोनस शेयर जब वो इन्वेस्टर आके ले सकते हैं रोल क्या है सभी का इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कि ऑलरेडी आपको पता है ताकि वो डिस्क्लोज़ ना करें रेलिवेंट इन्फॉमेशन के जो उनके रिस्पेक्ट है जो भी विंडो ड्रेसिंग है हमारे फाइनेंशियल की जो भी प्रेजेंट रोजी पिक्चर है मिस गाइड इन्वेस्टर है कंपनीज बहुत ज़्यादा टाइम लेती है फाइनेंशियली एलोकेट करने में शेयर्स को रिफंड ऑर्डर कराने में तो इन्वेस्टर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और सभी सिर्फ इसीलिए लिए आइए ताकि जो भी ये टाइम डिले होता है उनके इन, आ, इंटरेस्ट को कोई भी नुकसान ना रहे सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए उनका टाइम रहते रहते उनका रिफ़ंड और एलो अलॉटमेंट हो जाए इनिशियली और उन्होंने इसके लिए एक वेबसाइट भी गई है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इन्वेस्टर डॉट हेल्पलाइन डॉट इन तो इसके अंदर आप कर सकते हैं इन्होंने इन्होंने अवेयरनेस के लिए पहले ही पॉइंट यही दिया हुआ है एक दीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इन्वेस्टर डॉट कॉम जो सेबी कंप्लेन रेडिस्ट के अंदर आती है सभी साथ साथ डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट को अलाउ करते हैं कि नॉट टू लेव कोई भी चार्ज जो शेयर होल्डर सिक्योरिटी दे रहे हैं वो अनदर डिस्पोज पार्टिसिपेट में ना हो डीमेंट अकाउंट सिर्फ पचास हज़ार से लेके अप टू दो लाख का ही है और जो हंड्रेड पर आ, रुपीज़ हंड्रेड पर एन से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती सभी ने अप्रैल 2010 में ये भी कहा है। जो भी कंपनीज में लिस्टेड डिस्क्लोज़र है वही हम साठ दिन के अंदर करेंगे डिस्क्लोज क्वार्टरली भी कर सकते हैं साथ ही साथ जो स्टॉक एक्सचेंज को हम एसएमएस करते हैं ईमेल मेल अलर्ट करते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं जो भी ट्रेडिंग डेज हैं उनके अंदर सेल ऑफ़ सिक्योरिटी हो जाए अकाउंट्स की और जो मैसेज है वो सीधा हमारे अकाउंट होल्डर के पास आ जाए जो हमारी प्राइमरी मार्केट है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है सैबी क्योंकि जब हम पब्लिक के लिए रेस फंड करते हैं थ्रू इशू शेयर डिवेंचर्स तो जो हमारी पार्टी जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है जो भी हमारे रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है जो भी रूल और रेगुलेशन हमारी से ने बनाई है सारी एप्प्लीकेशन अप्लाई हो जाती हैं और डिसक्लोज भी हो जाती है जब हमारा वर्किंग डे चल रहा हो साथ ही साथ हमारी सेकेंडरी मार्केट का भी होता है हमारे सारी स्पेक्ूलेशन जो भी ट्रेडिंग है वो प्रोहिबिटेड होता है हमारे सारे स्टॉक प्राइस चेक होते हैं जो भी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट है सारी गाइडलाइंस के सैबी के गाइडलाइंस के इशूड के अंदर काम चलता है और इम्प्रूव भी होते हैं डे बाई डे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ कर दिया है सेबी ने क्योंकि सारा कम कंप्यूटराइज्ड होने लग गया ट्रेडिंगली होने लग गया तो मेंबर जब भी कोई बाय या सेल करते हैं क्वालिटी की तो वो सीधा वो ट्रांसैक्ट करना चाहते हैं जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैच कर जाती है और हमारा जो टाइम है कॉस्ट है रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूज़ हो जाता है और हमारे ऑपरेशन जो हमारे रिजल्ट है वो इम्प्रूवड हो जाते इसलिए हमारे पार्टिसिपेंट जो सबके पास एक इम्प्रूविंग और एक लिक्विडिटी हो जाती है एक बैलेंस बन जाता है हर किसी के अंडर उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ सेबी देखिए एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रहता है कि जो रूल और रेगुलेशन है वो सेबी ने बनाए जो गवर्नमेंट अप्रूवल मिले ब्योरोटिक हर्डल्स हैं कई बार रूल और रेगुलेशन पास होने में टाइम लगता है जब सभी के फंक्शंस हो तो हमें अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगता है जिसको रिजल्ट डिले हो सकता है अनसर्नेटरी रिगार्डिंग टेन्यूअर ऑफ सभी ऑफिशियल जो हमारे चेयरमैन है और मेंबर है सभी के जो डोमीज है कई बार वो थ्री मंथ से ज़्यादा नोटिस को रिमूव कर देते हैं तो कई बार हम ऑफिशियली टेक उसके जो वर्किंग है सभी के उसमें हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते जो हमारे ऑन टेन्यूर है फेल टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑन सेल स्माल इन्वेस्टर जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो Uh, कई बार फेल हो जाते है अपने इंटरेस्ट को सेव करने में तो उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस पर जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं फेल टू चेक स्पेक्यूलेशन जो हमारी स्पेक्यूलेशन है सक्सेसफुल रेमली really नहीं हो पाती तो उनका जो कंट्रोल है वो फॉरवर्डली ऑप्शन हमारे ऊपर ही आता है जो ब्रोकर हैं इंस्टीट्यूशन हैं वो सारा उनका स्पेक्यूलेशन प्रैक्टिस चलता रहता है तो, तो वाइड फ्लक्चुएशन आती है हमारे शेयर प्राइस में ठीक है तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर सिक्स ख़त्म होता है सेबी बहुत ग्यारह टॉपिक थे सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे और हर एक वर्ड हर एक लाइन में मतलब क्लियर करते जा रहे हैं तो इतना टफ चैप्टर नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुछ भी पूछ सकते हैं पावर लिमिटेशन प्रोसीजर कुछ भी पूछ सकते हैं या क्या बताए चारों का रूल्स रेगुलेशन पूछ ले इशू डिपेंचर बोनस शेयर का तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस चैप्टर को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना सो so, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कल मिलते एक न्यूज है थैंक यू है Nice day.